नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने चैनल नॉलेज हाउस में। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ हमारे सीबीएसई के बच्चों के लिए है, जो हमारे सीबीएसई क्लास 12 के बच्चे हैं। बेटा आप लोगों में से बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि हम लोगों ने क्या सीबीएसई क्लासेस बंद कर दी है, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना हुआ था कि सैटरडे संडे में आपकी क्लासेस शिफ्ट कर दी गई है दो दो घंटे के लिए। इसके पीछे भी रीजन आप ही लोग हैं, जो कि आप ही लोगों के मैसेज आते थे मुझे फेसबुक पे कि सर रोज टाइम नहीं मिलता, इससे बेटर है कि आप दो दो घंटे की एक क्लास चला दीजिए सैटरडे या संडे में। तो उसी को प्लान आउट करते हुए, क्योंकि आप लोग लाइव भी नहीं आते थे तो फिर हम लोग का भी वैसे भी टाइम वेस्ट होता था, उस टाइम पे हमारे टीचर्स आते थे पढ़ाते थे। तो अब हमने किया सैटरडे संडे आप लोगों ने दो दो घंटे की लाइव क्लासेस चलाई जाएगी, जिसमें आपका बचा हुआ जो कोर्स है कंप्लीट कराया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी हम लेके आ रहे हैं, वो क्या है मैं बताता हूँ। दोस्तों जब मैं 10th में था तो मेरी बन गई थी 9.2 SGPA, और फिर घर वालों ने भी बोला और मुझे भी लगा यार अपन तो 30 मार्क खाने, तो हमने ले लिए साइंस मैथ्स के साथ। अब ये हुआ कि यार धक्के खा के चला लिए, इवन 12th क्लास में मेरी 71% थी 12th बोर्ड में मैथ्स के साथ। पर मैंने जो फील किया था कि दोस्तों सेकंड पीरियड में मेरे काफी कम नंबर आए थे, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में कम नंबर आए थे। तो मैंने क्या फील किया था कि उस टाइम पे मुझे कुछ चाहिए ऐसा जो मैं उतना पढ़ के पास हो जाऊं या फिर अच्छे नंबर ले आऊं, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो चीज नहीं मिली थी। फिर मैंने क्या किया, आप लोग की बड़ी बड़ी जो रेफरेंस बुकें आती हैं वो उठा के पढ़ने लगा, कॉम्प्रेंसिव की, प्रदीप की, वगैरह वगैरह, ठीक है। अरे बड़ा इतना लंबा चौड़ा चीज था, वो सब पढ़ने के चक्कर में अपन कुछ नहीं कर पाए और पास पूस होके रह गए। 71% ज्यादा नहीं होती है सीबीएसई बोर्ड में। तो मैं आपसे जो बोलना चाहता हूँ, कि हम आप लोगों के लिए दोस्तों एक छोटा सा कह सकते हो आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए एक सैंपल पेपर टाइप का लेके आ रहे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। आप लोग चाहें तो इन्हें परचेस कर सकते हैं, और कैसे परचेस करना है, क्या करना है, तो ये आपको जो सैटरडे में क्लासेस होंगी तो आपके टीचर्स आपको अवगत करा देंगे। जैसे कि केमिस्ट्री के जो 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो खुद आशुतोष सर बनाएंगे, जो फिजिक्स के होंगे वो सुधीर सर और जो हमारी बैकहेंड में फिजिक्स की टीम है वो बनाएगी। मैथ्स के दोस्तों जैसे अमरेन सर हो गए, हमारे बैकहेंड में अमित सर हो गए, तो ये लोग बनाएंगे। और बायोलॉजी के भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे हमारे टीचर्स के द्वारा बनाए जाएंगे। आप लोग चाहें दोस्तों तो इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी परचेस कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो दोस्तों चारों सब्जेक्ट्स का, आई मीन टू से कि मैथ्स या फिर बायो में से एक मिला के तीनों सब्जेक्ट का आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के ऊपर रहेगा, चाहो तो आप दो लोग तीन लोग मिलकर भी ले लेना। तो काइंड ऑफ दोस्तों ये एक हम लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हमारे टीचर दोस्तों इतने एक्सपीरियंस हैं और क्वेश्चन सीबीएसई में वही आते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने पूरी स्टार्टिंग से पढ़ाई करने लग गया स्टार्ट, जिससे कुछ नहीं हुआ, पेपर क्वेश्चन में वही आते हैं और नंबर हम लोग स्कोर नहीं कर पाते। सीबीएसई में नंबर स्कोर करना बहुत ही ईजी है अगर आप लोग टीचर्स की बात फोकस करके सुनेंगे। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। और जो क्लासेस की बात है तो आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा जाएगा, परेशान मत होइए। सैटरडे संडे में दो दो घंटे की स्पेशल क्लासेस चलेगी आप लोगों के लिए। टाइम टेबल मैं जल्द आपको कम्युनिटी टैब पे एक वीडियो बना के अवगत करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को चीज अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचा दो कि जो सीबीएसई क्लासेस हैं नॉलेज हाउस पे चलती थी या चलती हैं वो दो दो घंटे की सैटरडे संडे रहेंगी, जिससे आप वीकेंड पे इजीली इसको देख सको और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव आओ, जो कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लासेस हमेशा लगाई है। फिर चाहे 5 लोग देखते थे, चाहे 8 लोग देखते थे, तो बस ज्यादा संख्या में हम लोगों के साथ जुड़ो, यही मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड एंड में मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, महिलाओं का सम्मान करिए, बच्चों प्लास्टिक का कम से कम यूज करिए। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो कर दो, क्योंकि मंजिलें मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, इट्स हाई टाइम। और अगर अब नहीं पढ़ोगे बेटा तो फिर समझ लो पेपर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो बस यही आपसे बोलना था। जय हिंद, जय भारत।